मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल बाय डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट की जो प्लेलिस्ट शुरू की है उसमें इंट्रोडक्शन बताया गया है, उसमें कंसेप्ट बताया गया है, उसके फीचर्स बताए गए हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का आपस का क्या रिलेशन है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट सो क्लियर कि इन दोनों का क्या मतलब है। आज की क्लास में यही बताने वाली हूँ कि कैसे ये अलग अलग होते हुए भी इस तरह से कि हैं कि सिनोनिम की तरह से यूज किए जाते हैं। राइट, शुरू करते हैं आज की क्लास को। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, पहले हिंदी में समझ लो, इसे कहते हैं प्रबंध और इसे कहते हैं प्रशासन। प्रशासन, जिस भी शब्द के आगे प्र लग जाता है उसका मतलब होता है कुशलता पूर्वक। प्रबंध का मतलब होता है कुशलता पूर्वक बांधना और कुशलता पूर्वक शासन करना। अब बांधने का मतलब यहाँ पे किसी चीज को बांधना नहीं है, बल्कि एक संगठित रूप में, एक समन्वित रूप में, एक कॉमन ऑब्जेक्ट को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ने से है। और प्रशासन का मतलब होता है इस तरह से शासन करना कि कुशलता पूर्वक हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। अगर आप मेरी बात पे ध्यान दे रहे होंगे तो आपको समझ में आया कि मैंने कहा इस तरह से शासन करना कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। अब लक्ष्यों को प्राप्त करना ही तो इसका उद्देश्य है। अगर इसका उद्देश्य भी लक्ष्य प्राप्त करना है और इसमें भी शासन करना है और लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो ये बात समझ में आज गई होगी कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। बिना एक दूसरे की सहायता के, बिना एक दूसरे के सपोर्ट के कोई भी काम संपूर्ण नहीं हो सकता। फिर भी कुछ अंतर जो किया गया है उसको मैं आगे की क्लास में बताऊंगी, लेकिन आज इनके बेसिक जो स्कूल ऑफ थॉट्स ने इनको क्लियर किया है वो बताती हूँ। दो मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट्स और ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट्स। ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट्स के अलग सपोर्टर हैं और अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट्स के अलग सपोर्टर हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, उनमें से जो सपोर्टर्स हैं ओलिवर, शेल्डन, टीड, मिलवार्ड, स्क्रूज एंड स्प्रिंगल, ये सब उसके सपोर्टर हैं। जबकि अगर ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करेंगे तो हेनरी फ्योल, न्यूमैन, डेल, मैकफॉलन, क्रंच, ऑडोनिल, जॉर्ज आर टेरी आर द सपोर्टर ऑफ द ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट्स। क्या है ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट्स और अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट्स? देखो, कुछ भी नहीं है, सबका अपना अपना एक अप्रोच होता है। जब मैंने कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया था आपको समझ में आया होगा कि अपने अपनी चीजों को देखने का अपना एक नजरिया, वो अपना कंसेप्ट होता है। तो कुछ ऐसा ही इन लोगों का अलग नजरिया था, प्रबंध को देखने का, प्रशासन को देखने का, और इन लोगों का अलग नजरिया था इन दोनों को देखने का। दोनों ने क्या किस तरीके से इनको देखा है, जरा बात करते हैं। अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट्स के जो सपोर्टर हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो है इज लार्जली डिटर्मिनेटिव, ये तो निर्णायक होता है, जबकि जो मैनेजमेंट होता है वो तो एग्जीक्यूटिव होता है। जितने भी निर्णय लेने के काम होते हैं, निर्णायक काम होता है, वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, और जितने भी काम को क्रियान्वित करने का होता है वो सारा काम मैनेजमेंट में होता है। अगर हम इसे एक फॉर्मेट में देखें तो हम ये मानते हैं ये एक पूरा संगठन है। इस संगठन को दो हिस्सों में बांटा जाता है। जो टॉप लेयर होती है उसको हम कहते हैं ये तो है एडमिनिस्ट्रेशन, और जो नीचे एग्जीक्यूशन का काम करने वाले लोग होते हैं उनकी भी लेयर होती है, वो लोग होते हैं मैनेजमेंट। इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने ये कहा कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक स्मॉलर पार्ट प्ले करता है लेकिन बहुत डिटर्मिनेटिव होता है। जबकि उसी काम को जिन लोगों ने ये पॉलिसी मेक की है, देखो मैनेजमेंट में पॉलिसी टेकर लोग होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिसी मेकर लोग होते हैं, तो जो पॉलिसी मेक की गई है उसके एग्जीक्यूशन का काम करने वाले लोग मैनेजमेंट में होते हैं, उनका हिस्सा बड़ा होता है, उनकी लेयर्स ज्यादा होती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की लेयर कम होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसा अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट्स का सोचना था। राइट, अब जरा आगे बढ़ते हैं। पैरेलली ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट्स क्या कहते हैं, जो इसके सपोर्टर है, उन्होंने कहा मैनेजमेंट इज कॉम्प्रिहेंसिव जेनेरिक टर्म। ये एक जेनेरिक टर्म है, इसमें एक ज्ञान का भाषा छुपी हुई है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन इज ओनली ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट की एक शाखा है, उसका एक हिस्सा है, जबकि मैनेजमेंट उससे ज्यादा बड़ा है, ऐसा ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट्स ने कहा था। उन्होंने कहा कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन को हम छोटा हिस्सा करते हैं तो मैनेजमेंट एक बड़ा हिस्सा है।
राइट। अब इन दोनों ने जो अपनी अपनी बात कही, इन्होंने भी यही कहा कि मैनेजमेंट बड़ा हिस्सा है, इन्होंने भी कहा मैनेजमेंट बड़ा हिस्सा है, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी एक विचारधारा कह दी। इन्होंने कह दिया ये डिटर्मिनेटिव होता है और इन्होंने ये कह दिया एक जेनेरिक टर्म है मैनेजमेंट तो, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन तो मैनेजमेंट का एक हिस्सा है, ऐसा ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट्स के सपोर्टर्स का कहना था। अगर हम इसे कंक्लूड करें, अगर हमें इसे निष्कर्ष रूप में निकालना हो तो हम ये कहते हैं बोथ आर सिनोनिमस, दोनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं, बट डिफर इन देयर फील्ड ऑफ यूजेस, जहां इनका उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो अलग अलग हो सकता है। प्रशासन अलग जगह यूज होता है और प्रबंध अलग जगह यूज होता है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट को हम ये कह सकते हैं, अगर आपको अच्छे से समझना हो तो एडमिनिस्ट्रेशन तो है एक हिस्सा और मैनेजमेंट को हमने दो हिस्सों में बांट दिया, वो कहते हैं मैनेजमेंट को अच्छे से समझना हो तो एक तो होता है एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट और एक होता है ऑपरेटिव मैनेजमेंट, यानी वो मैनेजमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करे वो तो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, और ये जो काम एग्जीक्यूशन का करते हैं वो लोग होते हैं ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ऐसा जो अप्रोच लाए थे वो थे प्रोफेसर आर सी डेविस ने कहा था कि हमें मैनेजमेंट को दो हिस्सों में समझना चाहिए, वो एक सिंपल हिस्सा नहीं है, मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन भी जुड़ा हुआ है लेकिन दो अलग अलग तरीकों से जुड़ा हुआ है मैनेजमेंट, एक तो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, एक होता है ऑपरेटिव मैनेजमेंट। अगर हम टोटल बात करें तो एक्चुअल पोजिशन क्या है, एक्चुअल पोजिशन है बोथ आर ओवरलैपिंग फंक्शंस, दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कार्य हैं। आप मैनेजमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेजमेंट से अलग नहीं कर सकते। तो इन टोटल हमें यह समझ में आता है कि कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक दूसरे के सपोर्टर हैं, दोनों एक दूसरे के साथ लेके किसी भी संगठन की सफलता को निश्चित करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही कहते हैं, आज की क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिवर्ट कीजिए, आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करती हूँ, आप शेयर करती रहिए, देखते रहिए। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलर, थैंक यू, अगली क्लास का इंतजार, थैंक यू।